हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियर क्राफ्टिंग। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेबी स्कर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बेबी स्कर्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है और इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। ये हमने दोनों तरफ से 34-34 इंच रखा है, यानी कि 34x34 इंचेस। और इसको हमने पहले फोल्ड किया है, डबल फोल्ड, उसके बाद फोर्थ फोल्ड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कपड़ा बिल्कुल स्क्वायर में है। और फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो है 17 इंच, यानी कि 17x17, चारों तरफ से ये 17 इंच की है। तो अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हमें ये बंद साइड जो आपको दिख रहा है, इधर से मार्किंग करनी है। सबसे पहले मार्किंग के लिए हम वेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। हमारा वेस्ट है 22 इंचेस। 22 इंचेस को हम फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। तो यहां से कॉर्नर से हम टेप को रखेंगे और एक साइड पहले 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी, जिधर से बंद साइड है, इधर से भी हम अपने इंच टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड लगाने के बाद अब सेंटर में निशान लगाएंगे, इसे भी हम 5.5 इंच पे रखेंगे और फिर नीचे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इन तीनों निशानों को हम आपस में ऐसे राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हम पूरे सर्कल में कट कर लेंगे। ये जो हमने लेंथ बताई 17 इंच, ये आप अपने हिसाब से रखें, ज्यादा या फिर कम, आप चाहे 15-14, जो भी आपका लेंथ आ रहा है स्कर्ट का, आप उस हिसाब से रखें। हमने यहाँ पे लेंथ के हिसाब से 17 इंच रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने सर्कल में इसको कट कर लिया है। तो इसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए, चारों तरफ से बंद कपड़ा है और बीच में हमने सर्कल कट कर लिया है। तो इस तरीके से हम दो पीस और कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने तीन पीस कट कर लिए हैं। अब इसे खोल के मैं आप सभी को दिखाऊंगी और एक के ऊपर एक रख करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तीनों पीस को खोल दिया है और सर्कल को हमने मैच कर दिया है। और तरीके से हमने कपड़े को यहाँ पे रखा है। ये जो हमारा ट्रायंगल वाला हिस्सा है वो एक के ऊपर एक ना आए और ऐसे साइड में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सर्कल का लुक। तो देखिए, इस तरीके से कपड़े को बराबर से रखने के बाद ये जो तीनों पीस है हमारा, जो सर्कल में आपको दिख रहा है, एक साथ इसको पिनअप करके अटैच कर लेंगे और एक सिलाई लगा के तीनों पीस को हम फिक्स कर लेंगे। तो देखिए, पिनअप करके हमने तीनों पीस को एक साथ अटैच कर लिया है पूरे राउंड में। अब इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके रखा है इसको और पूरे राउंड में हम पहले एक मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पे हमने एक पट्टी कट कर ली है और इसको हम पूरे राउंड में अटैच कर लेंगे। ये 5 इंच की स्ट्रेट पट्टी है। पहले इसको हम एक साइड से अटैच करेंगे, उसके बाद इसे फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने कमर में बेल्ट अटैच कर लिया है। अब इसमें हम अपने फिटिंग के हिसाब से इलास्टिक लगाएंगे, यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए, फिटिंग के हिसाब से हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम कट करेंगे और अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के हम फिक्स कर लेंगे इलास्टिक को। तो यहाँ हमने इलास्टिक लगा के अंदर की तरफ इसकी सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारा बेबी स्कर्ट बनकर तैयार है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताएं। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।